दुनिया के विभिन्न देशों के इतिहास की तरफ देखा जाए तो लगभग हर देश में एक अलग तरह की सामाजिक संरचना देखने को मिलती है। प्राचीन मिस्र में भी एक ऐसी ही सामाजिक संरचना थी जिसको हम पिरामिड के रूप में समझ सकते हैं। ये एक ऐसा समाज था जिसमें सबसे शीर्ष पर मिस्र में पूजे जाने वाले सभी भगवान होते। मिस्र के लोगों का मानना था कि इन भगवानों के हाथ में ही सब कुछ है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वे नील नदी को उफान पर ला सकते थे, अकाल का कारण बन सकते थे, यहां तक कि मृत्यु भी ला सकते थे। इसके नीचे यहां के शासक आते जो भगवानों से कम नहीं थे। मिस्रवासियों ने इनको फिरौन कहा और एक मानव रूपी देवता माना। एक फिरौन का अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार होता और मिस्र में लगभग हर कोई इनकी पूजा करता था। इस सामाजिक पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर मौजूद किसान फिरौन को कर के रूप में अनाज देते जो कि फिरौन के गोदाम में रखा जाता, और इस अनाज का उपयोग अकाल की स्थिति में लोगों को खिलाने के लिए किया जाता था। इन फिरौनों के मरने के बाद इनके लिए विशाल मकबरे पिरामिड की शक्ल में बनाए गए और ऐसे पिरामिडों के भीतर के कक्षों में फिरौनों को दफनाया जाता था। अगले स्थान पर मिस्र के रईस और पुजारी होते जो फिरौन और भगवानों को दान किए जाने वाले धन से लाभ उठाते और सुखदाई जीवन बिताते। लगभग सारे सरकारी पदों पर इन्हीं लोगों का अधिकार होता था। इसके बाद सैनिकों का स्थान था जो विदेशी खतरे या आंतरिक संघर्ष के मामले में फिरौन की सेना का हिस्सा बनते थे। शांति काल में ये सैनिक किसानों और दासों की भी निगरानी करते जो पिरामिड और महलों जैसी संरचनाओं के निर्माण में शामिल थे। मिस्र में एक ऐसा भी तबका था जो संख्या में लगभग ना के बराबर था। वे थे मिस्र के लेखक जो इस पिरामिड में सैनिकों से नीचे थे। ये लोग सरकारी रिकॉर्ड रखते और फिरौन के वजीर के साथ काम करते थे। इसके बाद मिस्र के कुशल शिल्पकारों और व्यापारियों ने एक मध्य वर्ग बनाया। शिल्पकार गहने, मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य उपयोगी चीजें बनाते और व्यापारी उनको लोगों को बेचते। लेकिन मिस्र में एक ऐसा भी समाज था जिसने शुरू से ही उत्पीड़न झेला। इसमें दास, किसान और युद्ध के कैदी आते जो समाज में सबसे निचले स्तर पर थे। निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए मजबूर होने के अलावा दास, फिरौन और रईसों के लिए मेहनत करते। इन लोगों पर तरह तरह के कर लगे हुए थे जो कि इनकी वार्षिक फसल का 60% तक होता था। एक खेत में पैदा हुए बच्चे के लिए सरकार के उच्च पदों पर काम करना लगभग असंभव था। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को पुजारियों और रईसों के स्कूलों में पढ़ाते थे जिससे लोग नौकरशाही में पहुंच जाते थे।